सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ भगवान की विभूतियों के बारे में अध्ययन हम कर रहे थे, उनकी स्थूल विभूतियां और सूक्ष्म विभूतियां। तो दसवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में हम जो सूक्ष्म भाव हैं, सूक्ष्म विभूतियां हैं, उनका अध्ययन कर रहे थे। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शम सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयमेव च। इससे पहले श्लोक उच्चारण कर ले, श्लोक उच्चारण नहीं किया आज। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य उच्चै वदन्तु साधुरेव तो जो जो भाई बहन आज नहीं बोल रहे थे वो भी कल याद करके आ जाना। कुछ बहने याद नहीं करके आई थी, एक कर लिया करो रोजाना एक श्लोक, तो पहले याद था। तो ये अहिंसा समता समता तुष्टि तपो दानम यशो अयश भवंती भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। ये जो अलग अलग प्रकार के भाव हैं हे अर्जुन, ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, तो इन सब में भी तू मुझे ही जान, मुझे ही देख। आगे कह रहे हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। पूर्वे पहले सृष्टि के आदि में महर्षय सप्त सात महर्षि, इन जो सनातन धर्म में ना ऐसे मान्यता है कि सात जो महर्षि, जो एक दिन आप पूछ भी रहे थे ना कौन किसने प्रश्न पूछा था, इस कक्षा में पूछा था, अगली में पूछा था, राम प्रवेश जी ने पूछा था शायद कि जो आकाश में सप्त ऋषि मंडल है तो वो सचमुच ऋषि ही हैं या कुछ नक्षत्र हैं, ऐसे उन्होंने पूछा था। तो जो दिखाया जाता है ना एक नक्षत्र सप्त ऋषि वाला, तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि सात महर्षि जो सप्त महर्षि माने जाते हैं वो सात महर्षि और चत्वारो मनवह चार मनु, चार मनु में ये मानते हैं उनको ऋषियों को, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को।
मनवस तथा, चत्वारे माने विचार, और मनवस तथा मनु तो 14 होते हैं, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्म का एक दिन एक कल्प होता है। और उसका सांसारिक टाइम कितना होता है? सांसारिक टाइम होता है 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और एक चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं? चतुर्युगी माने 4 युगों का समूह, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका समूह। तो उसमें कितने होते हैं कुल वर्ष? 4,32,00,000,000। वो एक चतुर्युगी है 4,32,00,000,000 की। ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगी, 71, 71 चतुर्युगी का एक मनु होता है, मनवंतर। जैसे अभी कौन सा चल रहा है? कौन सा मनवंतर चल रहा है अभी? वैवस्वत। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, माने सातवां मनवंतर चल रहा है अभी। तो अभी 7 और बाकी हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती हैं, और एक चतुर्युगी में 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ये जो वैवस्वत मनवंतर है ये कितना है? 71 चतुर्युगी का है ये, माने 4 युगों का एक जो समूह है वो एक चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 71 बार चतुर्युगी आ जाएंगी, तब तक एक ही ये मनवंतर चलेगा, वैवस्वत मनवंतर। तो ये कह रहे हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मदभावा मानसा जाता। और ये जो मेरे भाव हैं ये कैसे हैं? जैसे आपके क्षमा कहां से उत्पन्न होती है? क्षमा कहां से उत्पन्न होती है? मन से नहीं, आपके सत्य कहां उत्पन्न होता है? क्षमन दमन कहां उत्पन्न होते हैं? सुख दुख कहां उत्पन्न होते हैं? तो ये सारे भाव क्या हैं? मानस भाव है ना आपके, जैसे आपके मानस भाव हैं, ये मन से ही उत्पन्न हो जाते हैं। संकल्प मात्र से ही आप सुखी दुखी हो जाते हैं, विचार मात्र से ही सुखी दुखी हो जाते हैं। सुख का विचार किया, खुश हो गए। एक विचार आपने ऐसा उठाया कि मेरी खुशियां मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं, तो आप खुश हो गए। और एक विचार आपने ऐसा उठा लिया, कोई पुराना पता नहीं कब कहां किसने कोई पीड़ा दी थी और आप दुखी हो गए, तो अब आप स्मरण कर रहे हैं उस विचार से, उसको घटना को, तो पुनः आंख में आंसू आ जाते हैं। तो सुखी दुखी जो हम होते हैं, इन भावों को हम उत्पन्न करते हैं। और कैसे उत्पन्न करते हैं? विचार मात्र से। वैसा विचार करते ही हम वैसे हो जाते हैं। एक वीर रस का विचार करते ही हम वीर की तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सुख या दुख का विचार करते ही सुखी दुखी हो जाते हैं। क्षमा का विचार करते ही किसी को क्षमा कर देते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं। तो जैसे हमारे अंदर से ये भाव मन से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी कह रहे हैं मद भावा मानस जाता। ये भाव मेरे, ये कौन से भाव? सप्तऋषि और 4 सनातन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि, और जो सृष्टि के आदि में जो सप्तऋषि माने जाते हैं वो, और 14 मनवंतर, ये सब क्या है मेरे? तो मानस भाव हैं। सोचने मात्र से ये उत्पन्न हो जाते हैं। ईश्वर को ये सृष्टि की रचना करने के लिए कोई रोड़ी पत्थर डालना, पहले जैसे मकान बनाने के लिए डालते हैं ना, पहले ईंट डालते हैं, पत्थर, वो सीमेंट डालते हैं, फिर बनता है मकान। ऐसे ईश्वर को इस सृष्टि रचने के लिए पहले कोई रॉ मटेरियल डालना होता है, फिर बनाता है उससे नदी पहाड़। ऐसा नहीं है।
जैसे हम अपने मन से सुख दुख आदि की सृष्टि कर लेते हैं, ऐसे ईश्वर के ये सब मानस भाव ही हैं, चाहे वो स्थूल जगत है चाहे वो सूक्ष्म जगत है। तो ये जो 14 मन्वंतर हैं, पहला है स्वयंभू, फिर स्वारोचिश, तीसरा है उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष, सातवां वैवस्वत, आठवां सावरणी, नौवां दक्ष सावरणी, दसवां ब्रह्म सावरणी, 11 धर्म सावरणी, 12 रुद्र सावरणी, 13 देव सावरणी और 14 है इंद्र सावरणी। ये 14 मनु है, मनवंतर के नाम है। तो इस समय चल रहा है वैवस्वत, सातवां मनवंतर। तो ये सारे मदभावा मानसा जाता, ये शाम लोक इमा प्रजा, जिससे ये सारे लोक लोकांतर, ये सब प्रजाएं, ये सब प्राणी, ये सारे स्थूल हो गई। और सूक्ष्म कौन से हैं, जो ऊपर गिनाए हैं, बुद्धि ज्ञान असम मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भय अभय अहिंसा समता तुष्टि दान यश अपयश, ये सारे जो पृथक विधा अलग अलग प्रकार के जो रचनाएं हैं, ये सब मानसा जाता मेरे मन से ही उत्पन्न हो जाती हैं, माने मेरे संकल्प मात्र से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे बता रहे हैं। एक बार मेरे को ईक्षण करना होता है बस, कि मैं सृष्टि रचूं और वो रची जाती है बस, ऐसा भाव करते ही। जब आप भाव करते हैं कि चलो मैं दुखी हो जाऊं और दुखी हो जाते हैं वैसा विचार करके, तो ऐसे ही ईश्वर भाव करते हैं कि मैं ये सृष्टि रचूं और सृष्टि उत्पन्न हो जाती है उनके सोचते ही। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहम् सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावः समन्विताः। एतां विभूतिं योगं च मम य तत्वत वेत्ति। तो ये सब मेरी विभूतियां हैं और ये मेरा योग है, योग शक्ति है। मेरी इन विभूतियों को और मेरे इस योग को, योगं च मम यो यह जो मनुष्य तत्वतः वेत्ति, जो तत्व से जानता है। अभी हमने जो जाना वो कैसे जाना, शब्द प्रमाण से जाना। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हमने जाना कि सब ईश्वर से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो सूक्ष्म है या स्थूल है। तो ये ज्ञान हमारा कैसा है, शाब्दिक ज्ञान है, ये हमने शब्द प्रमाण से जाना है। तो एक शब्द प्रमाण से जानना होता है, एक अनुमान प्रमाण से जानना होता है। अनुमान प्रमाण से कैसे जानेंगे इसको, अगर मान लो किसी को शब्द भी पढ़ने को नहीं मिला, गीता पढ़ने को नहीं मिली, तो भी वो व्यक्ति जानता है कि ये ईश्वर ने बनाया। वो कैसे जानता है, है जी, कैसे, अनुमान से कैसे, आप्त प्रमाण तो ये हो गया, किसी को आप्त प्रमाण नहीं मिला तो, हाँ ये है अनुमान। अनुमान मतलब वो ये लगाता है कि भाई जहां कहीं भी कोई रचना होती है तो उसका कोई रचनाकार भी होता है ना। घर में हम रोटी की सृष्टि करते हैं, रोटी की रचना करते हैं, तो रोटी बनाने वाला कोई होगा तभी तो रोटी बनेगी ना, ऐसे तो नहीं बनेगी अपने आप। तो ठीक है, वो नहीं है, उसको भी लगाते हैं, वो भी अनुमान प्रमाण ही है। पर एक बार तो अग्नि देखनी चाहिए ना कहीं, पहले घर में अग्नि को जाना,
तब तो ये कहोगे आप कि जहां कहीं भी धुआं निकलता है वहां पे अग्नि होती है, पर एक बार तो अग्नि का दर्शन होना चाहिए। तो हमने अपने घर में देखा कि जो जो भी कोई व्यवस्था या रचना होती है कहीं, तो वहां कोई ना कोई रचनाकार होता है। घड़ी आपके हाथ में है तो कोई घड़ी साज होगा, तब तो घड़ी बनाएगा ना, अपने आप तो नहीं बनेगी। तो जब इतनी छोटी सी चीज भी, रोटी जैसी चीज, घड़ी जैसी चीज, टेबल जैसी चीज अपने आप नहीं बनती है, तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे बनेगी? तो जरूर इसका भी कोई बनाने वाला होगा, ये अनुमान प्रमाण है। और तीसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसी को ही कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व से जानना, तात्विक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, आनुभौतिक ज्ञान, वो कब प्राप्त होता है? वो समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। समाधि कब लगती है? जब अष्टांग योग का पालन करते हैं। अष्टांग योग का पालन जब नहीं करेंगे तो समाधि नहीं लगेगी। उसका अनुष्ठान करेंगे तो एक के बाद एक स्टेप पे चढ़ते चले जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसमें जो अनुभूति होती है, इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में शब्द क्या कहा, यह माम तत्वतः वेत्ति, जो साधक मुझे तत्व से जान लेता है, मुझे मतलब मेरे योग को और मेरी इन विभूतियों को, मेरी इन विभूतियों को, ये जो चारों तरफ दिखाई दे रही हैं आपको पूरे ब्रह्मांड में, उनको और मेरे योग शक्ति को, जो महसूस कर लेता है, स्वयं अनुभूत कर लेता है अपने अंतर हृदय में, तत्व से जो जान लेता है, स अविकम्पेन योगेन, तो अब उसका वो योग कंपित नहीं होता है, अब उसका ज्ञान फिर हिलता डुलता नहीं है। जो अपना आनुभौतिक ज्ञान है उसको कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, पुस्तक में पढ़े हुए ज्ञान को भूल जाते हैं, कल पढ़ा तो आज ही भूल जाते हैं, कल क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं है। और अपना जो अनुभव हुआ था आपको, कभी कहीं किसी पत्थर से ठोकर खाई थी तो वहां जाते ही याद आ जाता है ना, कि अब इसकी इससे बच के चलूं, यहाँ ठोकर लग गई थी उस दिन भी, मेरे चोट लग गई थी उस दिन भी। तो अपनी अनुभूति कभी भी व्यक्ति भूलता नहीं है, शब्द से जाना हुआ भूल जाता है। इसलिए कहा अविकम्पेन योगेन, जो इस अविकम्पित योग के द्वारा युज्यते, युक्त हो जाता है, अर्थात जो मेरे बारे में, मेरी विभूतियों के बारे में, मेरे योग के बारे में अपनी अनुभूति से जब जान लेता है, उसको तात्विक ज्ञान हो जाता है, जब उसको प्रत्यक्ष हो जाता है, तब फिर वो युज्यते योगेन, अविकम्पेन योगेन युज्यते, स न अत्र संशय, इसमें संशय नहीं है, धातु का अगले श्लोक में प्रयोग किया है, फिर इसमें संशय नहीं है कि जो व्यक्ति मेरे को तत्व से जान लेता है वो अविकम्पेन योगेन युज्यते, वो बिना हिले डुले योग के द्वारा, अर्थात अटल ज्ञान के द्वारा, अचल ज्ञान के द्वारा, अविकम्पित योग के द्वारा युज्यते, वो फिर मुझसे युक्त हो जाता है, मुझसे ही जुड़ जाता है, मुझसे एक हो जाता है। जब अनुभूति हो गई तो फिर दो नहीं रहते हैं, फिर एक ही हो जाता है। अनुभूति नहीं हुई तब तक दो रहते हैं, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है, एक शिष्य होता है, एक गुरु होता है। तो कल बात चल रही थी ना, कल आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि जी फिर हमारी जो हमारे विचार हैं उसका क्या होगा, तो हमारा तो बचा ही नहीं ना। जिस दिन हम गुरुकुल में आए तो हमने अपनी इच्छा से परतंत्रता को स्वीकार किया है, उसको स्वीकार करने में हम स्वतंत्र हैं, कोई गुरुकुल में आए या ना आए इसमें वो स्वतंत्र है। तो आप यहाँ आए तो आपको कोई बांध के थोड़े लाया गया है, इच्छा से आए ना। तो आपने गुरु के सानिध्य को, गुरु की शरणागति को, गुरु के नैकट्य को अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। तो अब स्वीकार कर लिया तो अब वो गुरु के नियम थोड़े रह गए, अब तो वो आपके अपने हो गए,
किसी चीज को हम अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं तो दूसरे की नहीं रहती है ना, फिर वो हमारी अपनी हो जाती है। और हमारी अपनी हो जाती है इसका मतलब दोनों की एक ही हो जाती है, वही अर्थ है उसका, मन मना भव मद भक्तो। अच्छा एक बात मैं और पूछती हूँ, जैसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बीच बीच में नहीं विचार किसी न किसी को आते ही रहते हैं। मान लो आपने ये सोचा कि जी हम तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए थे और आपने तो पढ़ने में लगा दिया। आप जब सेवा करने जाएंगे ना तो भी आपने अपने सुख को कहाँ गिरवी रखा हुआ है उस सेवा में? आपको लग रहा है कि सेवा करूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की आप सेवा करोगे तो वो लोग भी तो आपसे कुछ अपेक्षा करेंगे और आप भी उनसे अपेक्षा करोगे। वो आपसे क्या अपेक्षा करेंगे कि ये यदि सेवा करने आए हैं तो ये हमारे से उत्कृष्ट होने चाहिए, यदि हमारे से नीचे ही हैं तो फिर हमें क्या बताएंगे ये। और आप यदि उत्कृष्ट हैं नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। और जब वो आपका सम्मान नहीं करेंगे तो आपको उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं होगी। ये अनुभूत प्रयोग बता रही हूं मैं। आते ही हमने कुछ विद्यार्थियों को कुछ ब्रह्मचारियों को भेज दिया सेवा में, बोले हम तो सेवा करेंगे, जाओ भाई कर लो, इतना बड़ा संगठन तुम्हें बना बनाया मिल गया, बनाते तो तुम्हें पसीने आ जाते कैसे तैयार होता है संगठन, चलो अभी तो बना बनाया है कर लो। तो वहां लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बोल जी तो हमारे की कोई इज्जत ही नहीं करते हैं। तो आपका सुख कहाँ है? वो आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुने, आप जो बता रहे हैं उसको माने तो आप सुखी हो। आप जो बता रहे हैं उसको वो मान ही नहीं रहे हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। फिर बोल जी इनको इतनी अच्छी बात बता रहे हैं तो भी सुनते नहीं है, इनकी ही सेवा कर रहे हैं तो भी इनको समझ में नहीं आता है। तो हमारी अपेक्षा कहाँ जुड़ी हुई है कि दूसरे हमें सुने, फिर हम दुखी हो जाएंगे, सुखी तो हुए नहीं हम। तो जब तक हमारा सुख बाहर कहीं भी टिका हुआ है तब तक हमें कोई सुखी नहीं कर सकता है। जब आप घर से आए तब भी यही सोच के आए थे कि ये घर वाले परेशान करके रखते हैं, इनको छोड़ के चले जाएंगे ना वहां गुरुकुल में, वहां तो सुख ही सुख, अपना स्वतंत्र जीवन जिएंगे। अब यहाँ के हैं स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यहां दूसरे मिल गए। तो अब आपको लगता है कि इनके चंगुल से कहीं छूटे तो स्वतंत्र होकर के सेवा करें, स्वतंत्र होकर सेवा करोगे तब तीसरे मिल जाएंगे। संसार कभी किसी को छोड़ता नहीं है और कभी भी आपकी मनमानी नहीं चलेगी संसार में, कहीं भी रह लो आप, अकेले रहोगे तब भी नहीं चलेगी, अकेले रहोगे तब भी कुछ लोगों से तो संपर्क करना पड़ेगा ना, ये आ गए ना वहां नीलकंठ में अकेले रह के, इससे पूछ लो। तो 2-3 साल अपने रह रहा के फिर अपने बोलना जी यही ठीक है, कहीं भी व्यक्ति किसी के तो संपर्क में आएगा ना। तो स्वतंत्रता कहाँ है आपकी? स्वतंत्रता है हम अपनी कामनाओं को जीत लें। और हमारा एक तो ये लक्ष्य हो गया सेवा करने का, और दूसरा लक्ष्य क्या होता है हमारा, नहीं जी हमें तो भगवान को पाना है। दो तरफ जाता है मन, कुछ का तो सेवा करने के लिए फील्ड में जाता है कि जी हम तो सेवा करेंगे, खूब बदल के रख देंगे दुनिया को, अपने आप को तो बदल ले पहले, दुनिया को तो बाद में बदल लेना, अपना तो बदला नहीं जा रहा है विचार। दूसरा जैसे ही कोई बदलता है तो अपना अहंकार आड़े आता है ना, मेरा भी तो अपना अस्तित्व है, आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर अपनी बात थोप रहे हो। तो जब जिनको आप कह रहे हो उनका भी तो अहंकार है तो उनको आप कैसे बदलोगे, वो तो बदलने को तैयार ही नहीं है। जिनको आप बदलना चाहते हैं जैसे कि आप तैयार नहीं है वैसे वो भी तैयार नहीं है तो कौन सी नई बात है ये एक फील्ड हो गया। दूसरा मुझे तो भगवान को पाना है, मैं भी ऐसे ही बोलती थी इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, मेरे अनुभव है। जब मैं घर से आई तो मेरे को गुरुजी कहें अष्टाध्यायी सुनाओ, धातु पाठ सुनाओ, लिंगानुशासन सुनाओ, पंचोपदेश सुनाओ, उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। मैंने कहा पढ़ना ही क्यों है, मैं तो बीए करके छोड़ के आई थी घर,
और उस समय तो कोई गुरुकुल ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई आश्रम, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अगले कदम का भी नहीं पता। आप तो इतने आलीशान गुरुकुल में आए हो, संस्थान में आए हो, जिसकी देश में नहीं विदेशों में ख्याति है, सारी धरती के लोग जिनका उदाहरण देते हैं। मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा था, तो मेरे सामने तो एक अप्रत्यक्ष ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं था। मुझे तो ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर को पाएगी कैसे? कोई मतलब वहां दरवाजे में बैठा है क्या, खोल के उसको पालोगी? ऐसे गुरु जी बोलते थे। मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मैं तो वहां, मेरे को यदि पढ़ना ही होता तो मैं वहां पर बीए करने के बाद एमए करती, पीएचडी करती। मुझे नहीं पढ़ना है, फिर भी वो पढ़ाते तो मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि ये मेरे को याद क्यों करवा रहे हैं, जब मेरी रुचि नहीं है, मुझे व्याकरण पढ़ना नहीं है। तो आप में से भी बहुत सारे हैं ऐसे, वो कहते हैं जी हमें पढ़ाते क्यों, हम तो घर से आए थे ध्यान लगाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। आज मेरे को समझ में आता है, लेकिन ईश्वर को पाना है तो पहले गुरु को पाओ, और गुरु को पाना है तो पहले अहंकार को गिराओ। सीधा सा सूत्र है, क्योंकि ईश्वर को हम जानते नहीं है ना, तो पहले जिसको जानते हैं, जो दिखाई दे रहा है, पहले उसको तो पाओ। भगवान को पाने के लिए पहले गुरु को पाओ, गुरु को प्राप्त करो, और गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को तोड़ना होता है। ईश्वर को तो जब पाओगे ना, तो ईश्वर तो आपके व्यक्तित्व को चकनाचूर कर डालेगा। ये ईश्वर ही पीछे लगा है अर्जुन के, और आप 16वें अध्याय तक जाओगे ना, तब आप देखना अर्जुन का कहीं नामो निशान नहीं बचने वाला है। तो गुरु को तो क्या कहा है, साक्षात मृत्यु। गुरु भी मारता है, ऐसे गुरु प्राप्त नहीं होता है। गुरु का पहला रूप है यम, वो छोड़ेगा नहीं आपको। जब तक आपका अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व, आपका अहंकार मर नहीं जाएगा, तब तक आप गुरु को नहीं पा सकते हो। आप कहोगे जी हमें तो मिल गए गुरु जी, नहीं मिले, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु एक बहुत ऊंची सत्ता और एक बहुत ऊंची शक्ति का नाम है। गुरु जो आपके बीच में आते हैं और जो आपको दिखाई देते हैं गेरुआ वस्त्र में, और ऐसे बाल, ऐसी दाढ़ी, ऐसी सकल सूरत, उतना ही अस्तित्व नहीं है गुरु का। और गुरु कभी दूर नहीं होते हैं। गुरु तो वो है जो निरंतर हमारे साथ रहता है। हमारी, हम कितना अपने आप को अब हटा पाए रास्ते में से, उतना उतना गुरु मिलेगा हमें। तो पहले गुरु को प्राप्त करो, और गुरु मिल गए ना तो अपने धन्य भाग्य समझना, फिर ईश्वर को मिलने में देरी नहीं है। और जो आश्रम में नहीं आए, मान लो आप तो आ गए आश्रम में, आप तो कहोगे हमें तो गुरु मिल गया, लेकिन आपसे यहाँ आश्रम में, गुरुकुल में आने वाले लोग तो 130 करोड़ में से कितने हैं? परसेंटेज निकालोगे तो कितने होंगे पूरे देश में? माइनस पे जाएगी परसेंटेज। फिर बाकी जो इतने लोग हैं उनका क्या हल बनेगा? वो ईश्वर को कैसे पाएं? वो भी तो आत्मा है, उनको भी ईश्वर पाने की लालसा है, लेकिन वो तो घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, वानप्रस्थ में रहते हैं, तो वो कैसे पाएं? तो वो अपने माता पिता को ही गुरु का स्वरूप माने।